हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविकांत है और कंपिटेटिव वर्क नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड और इसमें हम देखेंगे कि ट्राइंगल्स एंड इट्स साइड जो इसके टाइप्स हैं उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें, जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप तक मिलते रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ट्राइंगल्स एंड इट्स टाइप्स। सो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं हम ट्राइंगल्स क्या होते हैं उसके टाइप्स, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो ट्राइंगल, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं, ठीक है, जो क्लोज्ड फिगर होती है, क्लोज्ड है ये, ठीक है, और इसमें जो थ्री पॉइंट्स का मिलकर बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जब भी जो दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, अगर वो तीनों एक ही लाइन में है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, इसको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, क्लियर है। सो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, जो एक ही लाइन में नहीं होंगे, ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे ऊपर है और दो पॉइंट यहाँ पे हैं, सो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये एक ही लाइन में नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इनको ज्वाइन करेंगे सो ये क्या बन जाएगी, एक ट्राइंगल बन जाएगी, क्लियर है। सो दे आर थ्री वर्टिसेस, यहाँ पे थ्री वर्टिसेस हैं, ए बी एंड सी, ठीक है, इस कॉर्नर पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, और जो तीनों एंगल्स का सम होगा, ठीक है, सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। सो यहाँ से आप लोगों ने प्रॉपर्टी याद रखनी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है गाइस। सो नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिनकी थ्री साइड्स, ठीक है, तीनों साइड्स ट्राइंगल की इक्वल होती हैं और जो एंगल्स होते हैं तीनों एंगल्स वो भी क्या होते हैं, इक्वल्स, दैट इज 60 डिग्री, जैसा कि फिगर में गिवन है। सो यहाँ पे तीनों साइड्स क्या है, सेम है, और यहाँ पे जो तीनों एंगल्स हैं वो भी क्या है, 60 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल्स भी क्या है, सेम है यहाँ पे, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं ट्राइंगल के, ठीक है। फर्स्ट क्या याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, जो इसकी तीनों साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल। सो हम मान लेते हैं ए इसकी साइड है, ठीक है, तीनों साइड्स क्या होंगी, ए होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो यहाँ पे पैरीमीटर क्या आ जाएगा, सभी साइड्स का हम यहाँ पे सम कर देंगे, सो ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 3a। तो यहां पे 3a क्या आ जाएगा, पैरीमीटर आ जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, क्लियर है गाइस। और आप लोगों ने यहां पे क्या याद रखना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, ठीक है। सो अंडर रूट 3 बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड क्या है यहां पे a, सो a का स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, क्लियर है गाइस। सो यहां पे एरिया अंडर थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड क्या है यहाँ पे ए, और पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स हैं सभी साइड्स का सम कर देना है, वो क्या होगा यहाँ पे, पैरीमीटर होगा, क्लियर है गाइस। सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्केलियन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, सभी जो यहाँ पे साइड्स होंगी ट्राइंगल की वो क्या होगी, सभी डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे सपोज करो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। सो ए बी सी सभी यहाँ पे लेंथ क्या है, डिफरेंट है, सो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलियन लेंथ बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो पैरीमीटर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, सो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया होगा स्केलियन ट्राइंगल का, जो आप लोगों ने याद रखना है, वो क्या होगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। सो यहां पे एस क्या है, सेमी पैरीमीटर, और सेमी पैरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, यानी कि सेमी पैरीमीटर, पैरीमीटर का हमने हाफ कर देना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेमी पैरीमीटर, ठीक है। सो यहां पे एस की वैल्यू निकाल के, सो यहां पे हम
फार्मूले में पुट कर देंगे। सो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल का यहाँ पे एरिया आ जाएगा, ठीक है। और इसी फार्मूले को, ये जो एरिया हम निकालते हैं ठीक है, इसी फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। क्लियर गाइस, इसको हम हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों ने पेरीमीटर और एरिया स्केलियन ट्राइंगल का याद रखना है। सो नेक्स्ट क्या है, आइसोसेल ट्राइंगल। सो आइसोसेल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलते हैं। क्लियर है। सो यहाँ पे देखो फिगर में ये दोनों साइड्स क्या है, यहाँ पे सेम है ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको भी हम मान लेते हैं ए ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बी, जो बी सी है ठीक है। सो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो ए प्लस बी, यानी कि टू ए प्लस, ठीक है यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, सो टू ए प्लस बी। सो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगा आइसोसेल ट्राइंगल का। और यहाँ पे जो एरिया होगा ठीक है, सो जो एरिया होगा आइसोसेल ट्राइंगल का, वो आप लोगों ने जो याद रखना है, 1/2 इंटू 4a² माइनस b². क्लियर है गाइस। सो ये आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला याद रखना है। सो ये क्या आ जाएगा, हाइट, सॉरी यहाँ पे एरिया नहीं, ये क्या है, यहाँ पे हाइट है ठीक है। सो हाइट क्या होगा, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होएगा ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, एच। सो हाइट क्लियर है। सो ये हाइट आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, सो एरिया इसका क्या हो जाएगा ठीक है, सो बी बाई फोर अंडर रूट 4a² माइनस b² क्लियर है। सो एरिया जो होगा आइसोसेल ट्राइंगल का, वो क्या आ जाएगा, b बाई फोर ठीक है। यहाँ पे b है जो ये साइड है b ठीक है, बेस, अंडर रूट 4a² माइनस b². सो ये एरिया आ जाएगा आइसोसेल ट्राइंगल का। क्लियर है गाइस। सो ये आप लोगों ने प्रॉपर्टीज हैं जो फार्मूले, ये बेसिक आप लोगों ने याद रखने हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है। सो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ए ट्राइंगल हुज वन एंगल मेजर्स 90 डिग्री, जिसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल बी क्या है, 90 डिग्री ठीक है। ये जो सिंबल होता है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का ठीक है। सो ये क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। सो यहाँ पे अगर हम इसको पी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको एच मान लेते हैं ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस होता है और एच से हाइपोटेनस होता है। क्लियर है। सो यहाँ पे जो इसका पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, पी प्लस बी प्लस एच ठीक है। यहाँ पे आप साइड कुछ भी ले सकते हैं, पेरीमीटर आपको पता ही है क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो जो इसका एरिया होगा, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ठीक है। ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। सो यहाँ पे देखो 1/2 इंटू बेस क्या है, यहाँ पे बी, ओ यहाँ पे हाइपोटेनस ठीक है, एच क्या है यहाँ पे दिस वन ठीक है। सिंपली आप बेस इंटू हाइट, सॉरी हाइपोटेनस, सो बेस इंटू हाइट यहाँ पे आप ठीक है, ये आपका फार्मूला होगा। सो बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो यहाँ पे हाइट सॉरी क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b². सो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या प्रॉपर्टी होती है, h² इज इक्वल टू ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है। सो इसलिए यहाँ पे मैंने जो इसकी डिमेंशंस हैं ठीक है, साइड्स हैं, वो मैंने क्या लिया है, यहाँ पे पी बी एच, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर है गाइस। सो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे बेस है, ये क्या है, यहाँ पे हाइट है ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हम हाइट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। क्लियर गाइस। सो अभी कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्राइंगल की। सो फर्स्ट क्या है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड ठीक है। जो ट्राइंगल है ठीक है, जैसे सपोज करो 2 3 4
फोर, ठीक है। किसी भी दो साइड का अगर आप सम लोगे, ठीक है, वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो वो ट्राइंगल क्या होगी, तभी वो हम उसको ट्राइंगल बोलेंगे। जैसे हमने सपोज करो 2 + 3 लिया, यहाँ पे कितना होगा 2 + 3 5, ये जो 5 है ये 5 थर्ड साइड से क्या है, बड़ा है, ठीक है। हाँ, इट मीन्स ये क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। सो आप ऐसे इसको चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। किन्हीं भी दो साइड्स का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से क्या होगा, कम होगा। जैसे 3 - 2 कितना होगा 1, 3 - 2 कितना होगा 1। सो 1 क्या है, 4 से क्या है, कम है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। सो बेसिकली दोनों प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे, सेम। या तो किसी भी दो साइड का सम देख लो, वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, या किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस है वो देख लो, वो थर्ड साइड से कम होना चाहिए, ठीक है। सो तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो ट्राइंगल है। सो थर्ड यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स नॉट एडजेसेंट टू इट, ठीक है। सो जैसे कि हमने ये बाहर वाला एंगल पता करना है, ठीक है। सो ये बाहर वाला एंगल, इसके जो साथ वाला एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, इसको हमने ये एंगल छोड़ देना है, ठीक है। सो यहाँ पे दो एंगल बचे, इन दोनों का सम होता है ये जो बाहर वाला एंगल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एंगल ए सी डी, ठीक है, एंगल ए सी डी ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस बी, जो इसके ऑपोजिट होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने एंगल बी सी ई, ठीक है, यहाँ पे एंगल बी सी ई, बी और ये सी रहा और ये नीचे ई, सो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसका जो एडजेसेंट एंगल है साथ वाला, ये एंगल को छोड़ के जो इसका ऑपोजिट एंगल, दोनों का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल की ऑफ अ ट्राइंगल की, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। सो नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। अगर शेप भी सेम है और साइज भी सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि एक स्माइली फेस ले लेते हैं, दिस वन और दिस वन, ठीक है, और दिस वन, ठीक है। सो सभी का यहाँ पे देखो कि साइज क्या है, सेम है, ठीक है, और यहाँ पे शेप भी सभी की क्या है, सेम है, ठीक है। थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है शेप, ठीक है, बट आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर होगी होगी कि क्या है, सेम शेप होनी चाहिए और साइज भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलेंगे, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे कुछ यहाँ पे इसके टाइप्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। यहाँ पे जो दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल की जो साइड है ए बी, वो किसके इक्वल होगी, एडजेसेंट, जो इसकी दूसरी ट्राइंगल है उसकी साइड के इक्वल होगी, ठीक है। सिमिलरली जो बी सी है ये साइड किसके इक्वल होगी, क्यू आर के। जो ए सी है ये थर्ड साइड, ये किसके इक्वल होगी, पी आर के इक्वल होगी, ठीक है। अगर ये साइड्स तीनों सेम है, ठीक है, सो तभी हम क्या बोलेंगे, ये दोनों फिगर्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्लियर है गाइस। सो ये दोनों फिगर्स क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट। सेकंड आप लोगों ने जो याद रखना है वो क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। सो साइड एंगल साइड में क्या है कि साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन साइड, एंड ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, दिस एंगल के, ठीक है, और ये जो साइड है वो किसके इक्वल है, दिस वन साइड, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स का जो एक की साइड ऑपोजिट साइड एंगल एंगल एंड साइड साइड, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम, तभी हम इनको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलेंगे, क्लियर है गाइस। सो साइड एंगल साइड ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। सो यहाँ पे क्या है कि जो ट्राइंगल ए बी सी का एंगल बी है, पी क्यू आर का एंगल क्यू, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पे जो बी सी साइड है ये क्यू आर के इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ पे जो एंगल सी है, ठीक है, वो एंगल आर के इक्वल होना चाहिए, जो दूसरी ट्राइंगल है, ठीक है, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। सो तभी दोनों फिगर्स क्या होंगी यहाँ पे, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मीन्स बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। अगर आप एक फिगर को दूसरी फिगर के बिल्कुल ऊपर रखोगे तो जो फर्स्ट फिगर होगी वो आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। सो इट मीन्स दोनों फिगर्स क्या है, सेम शेप है और उनका साइज भी क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्या है कि राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, राइट एंगल, और यहाँ पे एच क्या है, हाइपोटेनस है, और यहाँ पे एस क्या है, साइड, ठीक है।
सो आर एच एस कॉन्ग्रेंसी, मतलब कि यहाँ पे राइट हैंड, सो राइट एंगल जो है ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, राइट एंगल दोनों सेम होने चाहिए ठीक है। और इनका जो हाइपोटेनस है, यहाँ पे ये हाइपोटेनस इक्वल टू दिस हाइपोटेनस, ऐसे क्या होता है साइड ठीक है। यहाँ पे कोई भी इन दोनों में से ए बी या बी सी, पी क्यू या क्यू आर, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ठीक है। सो यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्यू आर ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, आर एच एस कॉन्ग्रेंट, मतलब कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है, बिल्कुल सेम है। क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ठीक है। सो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ठीक है, सिमिलर कब होंगी, हैविंग ठीक है, जब दोनों का जो, जब दोनों की शेप है जो वो सेम होगी ठीक है। जैसे कि सपोज करो, यानी कि शेप सेम शेप ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स बोलेंगे ठीक है। जैसे सपोज करो ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है, दोनों की शेप क्या है यहाँ पे सेम है। यहाँ पे साइज मैटर नहीं करेगा कि कितना साइज है कितना नहीं, बस उनकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए ठीक है, तभी हम उनको क्या बोलेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर है? सो यहाँ पे आप लोगों ने जो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, एंगल एंगल सिमिलैरिटीज ठीक है। सो एंगल एंगल सिमिलैरिटीज में क्या है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल ठीक है। यहाँ पे जो एक ट्राइंगल है, सपोज करो यहाँ पे ए बी सी है, और यहाँ पे जो दूसरी ट्राइंगल है वो क्या है, पी क्यू आर है ठीक है। सो यहाँ पे ये ट्राइंगल का जो एंगल है और इसका जो एंगल है, ये दोनों क्या है, सेम है। और यहाँ पे जो एंगल बी है, ये एंगल क्यू, ये दोनों क्या है, सेम ठीक है। अगर तो ट्राइंगल के दो जो एंगल्स हैं वो सेम है ठीक है, जो दूसरी यहाँ पे फिगर है ट्राइंगल उसके एंगल के साथ यहाँ पे सेम आ रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एंगल एंगल सिमिलैरिटीज। क्लियर है गाइस? सो सेकंड यहाँ पे क्या है कि साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब कि एक ट्राइंगल है यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल है क्या है, पी क्यू आर ठीक है। सो यहाँ पे साइड एंगल साइड, सो ये इक्वल है दूसरी जो साइड एंगल साइड है ठीक है। सो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी यहाँ पे, सिमिलर होंगी ठीक है। सो साइड एंगल साइड ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल जो दूसरी ट्राइंगल है उसके भी साइड एंगल साइड अगर सेम है, देन दोनों हम ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स बोलेंगे। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्या है, साइड 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 सिमिलैरिटीज। अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल है उसकी तीनों जो साइड्स हैं ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है जो थर्ड यहाँ, सॉरी सेकंड जो यहाँ पे ट्राइंगल है उसके, जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो क्या है, पी क्यू आर ठीक है। सो यहाँ पे जो साइड ए बी होगी ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, पी क्यू के। जो यहाँ पे साइड बी सी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, क्यू आर के। सिमिलरली जो ए सी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ पे पी आर के इक्वल होगी ठीक है। सो उसको हम क्या बोलेंगे, साइड 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 सिमिलैरिटीज ठीक है। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर ठीक है। ये तीनों इक्वल होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए, तभी वो जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे जो ट्राइंगल है दूसरी वो क्या है, पी क्यू आर ठीक है। सो इसकी साइड मान लेते हैं टू है, इसकी थ्री है, इसकी फोर है। सो इसकी मान लेते हैं फोर सिक्स, यहाँ पे क्या है, एट। सो यहाँ पे हम रेशियो चेक करेंगे, ए बी कितना है यहाँ पे, टू, और यहाँ पे पी क्यू कितना है यहाँ पे, फोर इज इक्वल टू बी सी कितना है यहाँ पे, थ्री, और यहाँ पे क्यू आर कितना है, सिक्स इज इक्वल टू ए सी कितना है यहाँ पे, फोर, और यहाँ पे पी आर कितना है, एट। सो यहाँ पे अगर आप कट करोगे सो कितना आएगा, 1/2 आएगा, इसको कट करोगे 1/2, इसको कट करोगे 1/2। सो यहाँ पे जो रेशियो आ रही है वो तीनों रेशियोज यहाँ पे क्या है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सो तीनों की यहाँ पे जो रेशियोज है वो क्या है, सेम है, इट मीन्स प्रोपोर्शनल ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, साइड 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 सिमिलैरिटीज बोलेंगे। सो क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम, फर्स्ट क्या है यहाँ पे,
सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स जो हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर एक ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये ट्राइंगल है, सपोज करो ए बी सी। ठीक है, सो ये जो वर्टेक्स है इसके ऑपोजिट जो बेस है उसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, और ये जो लाइन होगी क्या होगी यहाँ पे 90 डिग्री पे। क्लियर है। सिमिलरली जो वर्टेक्स सी है यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन द बेस ए बी। सिमिलरली बी वर्टेक्स से मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी ऑन द बेस बी सी। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इट मीन्स ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो इसको ही हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्लियर है। सो यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पे सेंटर में मीट करेंगे, इस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, सो ये क्या है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है कि एल्टीट्यूड क्या होता है और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। जब भी हम एल्टीट्यूड्स को, ठीक है, मिलाते हैं तीनों पॉइंट्स को, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो तीनों लाइंस टच करेंगी, ठीक है, मीट करेंगी, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। क्लियर है गाइस। सो आगे क्या है, एंगल बाइसेक्टर। सो एंगल बाइसेक्टर मीन्स जो एंगल को बाइसेक्ट करे। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पे मैंने एंगल बाइसेक्ट लगाया, तो ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री और ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री। मतलब कि एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। सो यहाँ पे जैसा फिगर में दिख रहा है, सो यहाँ पे ट्राइंगल है और इसके अंदर एक सर्कल, ठीक है, ड्रॉ किया गया। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर लगाए हुए हैं। ठीक है, ए जो बी सी के ऊपर डी पॉइंट पे मिल रहा है, और यहाँ पे वर्टेक्स सी से, ठीक है, लाइन ड्रॉ की हुई है एंगल बाइसेक्टर जो एफ पॉइंट पे मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे बी पे जो वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ की हुई है वो ई पॉइंट पे यहाँ पे मीट कर रही है। क्लियर है। सो जहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स मीट करेंगे, इस पॉइंट्स को हम, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इन सेंटर। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इन सेंटर। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और इन सेंटर क्या होता है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पे जो पी क्यू साइड है, ठीक है, ये जो साइड का जो मिड पॉइंट है, ये जो यहाँ पे साइड है, ठीक है, यहाँ पे इस साइड का जो मिड पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट, यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन मीन्स 90 डिग्री पे, ठीक है। सिमिलरली जो एंगल यहाँ पे लाइन है पी आर, ठीक है, यहाँ से जो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट ई, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। सिमिलरली यहाँ पे जो क्यू आर साइड है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ड्रॉ किया। सो यहाँ ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, जिस पॉइंट पे आके मिलेंगे, ठीक है, जिस पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट को, सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। क्लियर है गाइस। सो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो साइड का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, वहां से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे। ठीक है, सिमिलरली तीनों साइड्स पे हमने मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वो जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर मतलब कि ये जो सर्कल है, सर्कल का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, दैट इज सर्कम सेंटर। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, लास्ट मीडियन। सो मीडियन क्या होता है, ठीक है, ये ट्राइंगल को, मीडियन जो होता है ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी सी, सो यहाँ पे मैंने मीडियन ड्रॉ किया डी। सो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी, यहाँ पे दोनों एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर है। सो यहाँ से मैंने वर्टेक्स ए से, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की ऑन द बेस
BC के ऊपर, सिमिलरली मैंने C पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ किया, सिमिलरली मैंने एक B जो पॉइंट है वहाँ से मीडियन ड्रॉ किया। सो यहाँ पे जो ये सेंटर वाला पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। क्लियर है गाइस? सो ये जस्ट बेसिक है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो ये मीडियन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट, यहाँ पे सेंट्रोइड होता है, यहाँ पे जो ये होता है 2 और ये 1, ठीक है। सो 2:1 में ये डिवाइड होते हैं पॉइंट्स, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे पॉइंट जी है, सो AG/GD, ठीक है, ये कितना है, 2:1, ये आप लोगों ने रेशियो यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर है? सो ये जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज थी ट्राइंगल की जो आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अभी हम इसके मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, देखेंगे कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि इन द गिवन फिगर एंगल BAC एंड ABC 2:3 गिवन है। सो हमने यहाँ पे एंगल ABC फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे एंगल BAC, यहाँ पे जो सेंटर वाला पॉइंट होता है यही हम एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एंगल BAC मतलब कि ये एंगल हमें कितना गिवन है, सो 2x मान लेते हैं हम इसको। और जो एंगल ABC है, AB मतलब कि जो सेंटर में B है, सो यहाँ पे जो एंगल B ये हमें कितना गिवन है, 3x गिवन है। सो हमने यहाँ पे एंगल ABC पता करना है, मतलब कि एंगल B पता करना है कितना होगा। सो जैसा कि हमने एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइंगल में क्या होती है, सो एक्सटर्नल एंगल क्या है, यहाँ पे 120 डिग्री, ये किसके इक्वल होता है, जो इसका एडजेसेंट एंगल होता है, इसको छोड़ के जो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं उन दोनों के सम के इक्वल होगा। सो 2x+3x, सो यहाँ से कितना आएगा, 5x=120 आ जाएगा। सो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 24 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे हमने एंगल ABC पता करना है। सो एंगल ABC है जो वो कितना है, 3x। सो 3 × x कितना है, 24, 24 को 3 से करेंगे, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज साइड्स, ठीक है, हमें यहाँ पे साइड्स गिवन है। सो यहाँ पे हमने ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सो यहाँ पे ट्राइंगल मान लेते हैं ABC। सो यहाँ पे एक साइड कितनी गिवन है, 26, 28 और ये कितनी गिवन है, 30 गिवन है। सो हमने यहाँ पे एरिया निकालना है। सो मीन्स टू से हम यहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे, हिरोन्स फार्मूला, ठीक है। सो हिरोन्स फार्मूला जो एरिया का था क्या था, S·S−A, S−B, S−C, ठीक है। सो यहाँ पे S क्या है, सेमी पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सो 26 + 28 + 30 / 2, ठीक है। यहाँ पे जो सभी साइड्स क्या हैं ट्राइंगल की, अनइक्वल हैं, कोई भी साइड यहाँ पे इक्वल नहीं है। सो ये क्या है, स्केलियन ट्राइंगल। सो स्केलियन ट्राइंगल में हमने पढ़ा था कि जो उसका एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, हिरोन्स फार्मूला, ठीक है। सो यही फार्मूला हमने स्टडी किया था। सो यहाँ पे एस सेमी पेरीमीटर हम यहाँ से निकाल लेंगे। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सम इसका 84 आ जाएगा। सो 84 / 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। क्लियर है? सो एरिया इज इक्वल टू 42 × s कितना है, 42 − side A, 26 ले लेते हैं यहाँ पे। सो 42 − side B यहाँ पे 28। सो 42 − यहाँ पे साइड कितनी ले लेते हैं, 30। सो 42 × ठीक है, 42 में से 46 को हम माइनस करेंगे। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सो 42 में से 28 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 42 में से 30 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो आगे हम इसको 42 को क्या लिख सकते हैं, 14 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 16 × 14 × 12 को क्या लिख सकते हैं, हम 4 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अनरूट सॉल्व करना है। सो अनरूट यहाँ पे 14 × 14, ठीक है। सो 14 एक यहाँ पे बाहर आ जाएगा। सो 16 का अनरूट कितना होता है, यहाँ पे 4 होता है और यहाँ पे 3, ठीक है, एक 3 यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा,
इंटू फोर, ठीक है, फोर यहाँ पे बच गया, सो फोर का रूट कितना होता है, यहाँ पे टू होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स, सिक्स को फोर से करेंगे 24, 24 को 14 से करेंगे कितना आ जाएगा 336 स्क्वेयर सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर में, सो सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो ये हमारा क्या आ जाएगा गाइस, एरिया। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द पैरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें पैरीमीटर गिवन है कितना, 45 सेंटीमीटर। हमने इसका क्या पता करना है, एरिया पता करना है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पैरीमीटर होता है, सभी साइड क्या होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, सभी साइड सेम होती हैं। सो ए ए ए सभी साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। सो यहाँ पे 3a इज इक्वल टू पैरीमीटर कितना गिवन है, 45, ठीक है। सो यहाँ पे पैरीमीटर क्या था, 3a, ठीक है, हमने लास्ट यहाँ पे स्टडी किया था, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। सो यहाँ से साइड की वैल्यू निकालेंगे, सो यहाँ पे a कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। सो अभी हमने एरिया निकालना है, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अंडर थ्री फोर इंटू साइड स्क्वेयर। सो अंडर थ्री इंटू फोर साइड स्क्वेयर कितना होता है, 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, 225 अंडर थ्री बाई फोर। सो ये हमारा क्या आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ ट्राइंगल हैज़ थ्री इक्वल साइड, ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है, और उसका एरिया गिवन है 4√3 स्क्वेयर सेंटीमीटर। सो वट विल बी द पैरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। सो यहाँ पे तीनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं। सो अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल क्या होगी, यहाँ पे इक्विलेटर ट्राइंगल। सो इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, अंडर थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वेयर। सो यहाँ पे एरिया कितना गिवन है, 4√3 गिवन है, इज इक्वल टू अंडर थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वेयर। अंडर थ्री कैंसिल हो जाएगा, सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर इक्वल टू क्यू साइड मल्टीप्लाई में। सो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर है गाइस? सो हमने यहाँ पे क्या पता करना है, पैरीमीटर पता करना है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरीमीटर कितना होता है, 3 × साइड, ठीक है। सो पैरीमीटर क्या होता है, आ जाएगा 3 × 4, दैट इज 12। सो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द पैरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है। आइसोसेल ट्राइंगल है, आइसोसेल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो ए ए एंड बी, ठीक है, ये मान लेते हैं। सो यहाँ पे पैरीमीटर कितना गिवन है हमें, 32 सेंटीमीटर। वाइल इट्स इक्वल साइड्स टुगेदर, जो इसकी इक्वल साइड होती हैं दोनों टुगेदर, ठीक है, वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। फाइंड द थर्ड एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड। हमने थर्ड साइड भी पता करनी है और हमने इक्वल ईच एंड इक्वल साइड सभी हमने साइड्स यहाँ पे पता करनी है। सो यहाँ पे दोनों साइड का सम गिवन है, ए प्लस ए कितना, 18 गिवन है, प्लस थर्ड साइड क्या है, यहाँ पे हमने पता करनी है एक्स मान लेते हैं। सो तीनों साइड का जो सम है वो हमें कितना गिवन है, पैरीमीटर 32 गिवन है। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे जो ए प्लस ए है ये हमें कितना गिवन है, 18 गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पे तीनों साइड का जो सम है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू 32। सो यहाँ से जो थर्ड साइड है एक्स वो हम निकाल लेंगे, 32 − 18, ठीक है। सो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 14। सो यहाँ पे जो थर्ड साइड है दैट इज़ b, वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14। और यहाँ पे हमने जो इक्वल साइड है वो भी निकाल लेते हैं। सो a प्लस a क्या होगा, 2a इज इक्वल टू 18। सो 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो साइड्स हैं 9, 9 एंड 14, सो ये 3 साइड्स हमारे पास आ जाएंगी। सो दैट इज़ द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 42 स्क्वेयर सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हमें गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पे बेस पता करना है। सो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, दिस वन। सो ये हमने परपेंडिकुलर, बेस, ठीक है, ये हाइपोटेनस, ठीक है। सो एरिया क्या होता है,
राइट एंगल ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ये होता है। सो यहाँ पे एरिया क्या गिवन है हमें, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, ठीक है। यहाँ पे हमने बेस पता करना है बी, हाइट कितनी गिवन है हमें 10 गिवन है, सो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। 2 से 10 कितने पे कैंसिल होगा, 5 पे। सो हमने बेस निकालना है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये इक्वल टू क्यू साइड डिवाइड में जाएगा, सो इसको हम कैंसिल कर देंगे 8, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, सो कितना आ जाएगा 4। सो यहाँ पे बेस हमारा कितना आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। सो ये हमारा क्या होगा गाइस आंसर, ठीक है। ये तो थे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने ट्राइंगल के स्टडी किए। जो पार्ट 4 होगा उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे हम उनको कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।